आपको मैन एंड वीमेन शॉप डिफरेंटली, डू यू एग्री मैम? आप टसअप करते हो कि आपको कोई नोटिस करे इन जनरल. हम लड़के कपड़े पहनते हैं, कोई नोटिस ना करे ताकि कल हम दोबारा पहन लें. शॉपोहॉलिक, कोई शॉपोहॉलिक आप में से? आई विल स्पॉट हाउ, मतलब शॉपोहॉलिक कौन होता है, मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा. मेरा काम है कि मैं शॉपोहॉलिक समझाऊं. शॉपोहॉलिक वो लोग होते हैं जिनको लव एट फर्स्ट साइट आदमी से नहीं होता, कपड़े से होता है. आप उस कपड़े को देख के कहते हो ये मैं ही पहनूंगा. मतलब शॉपोहॉलिक वो होता है जो ना, कोई बंदा अगर कोई कपड़ा खरीद रहा अपने लिए और वैसे शर्ट को ऊपर करता है तो ये आपको पता ही है आपको ही आएगी, ये आपको फिट बैठेगी बिना ट्राई करे. ये वो लोग होते हैं. मतलब मैं वो शॉपोहॉलिक हूँ जो वो फैशन फॉलो नहीं करता, वो डिस्काउंट फॉलो करता है. कभी आप गए हो, आप शोरूम में एंटर कर रहे हो और सेल्स पर्सन आपका पीछा कर रहा है? दैट्स द मोस्ट अनोइंग पार्ट. और 90% वो तब पीछा करता है जब आपको कुछ नहीं लेना. ये सूंघ लेते हैं भाई. तो मैं एक बार एंटर कर रहा हूँ, मेरे पीछे फॉलो कर रहा हूँ ऐसे, मैं चलता जा रहा हूँ पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे. मैंने घड़ी में देखा, मैंने कहा हराम ज़्यादा दिख रहा है. तो मैं आयल के चक्कर काटने लगा. मैम थोड़ी देर में वो मेरे पीछे. अब होता क्या ना कि शोरूम में बजते गाने मध्यम आवाज़ में और वो और मेरा आई कॉन्टेक्ट बना हुआ है और वहाँ गाना चल रहा है, आँखों की गुस्ताखियाँ वो करा कर. मैं चक्कर काट रहा हूँ आयल के फटाफट, 3-4 चक्कर कट गए मैम. मैं उसका चला गया, भैया अब रुक जाओ. कह रहा क्यों? मैंने कहा अगर 7 हो गए तेरी मेरी शादी जानी है. मैम थोड़ी देर वो आई कॉन्टेक्ट बना के तब भी रखता है, ठीक है. थोड़ी देर में खुद ही आ गया, कह रहा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा स्पेस इन दिस रिलेशनशिप जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं. और पता है जब आपको कोई ऐसा स्टॉक करता ना, यू एक्ट सिविलाइज्ड. आप कपड़े के पास चले जाते सीधा, ओ कॉटन गुड फॉर माई स्किन. वो जैसी अपना आई कॉन्टेक्ट हटाता ना, इसका टैग कहाँ लगा हुआ है, टैग कहाँ लगा हुआ है. बट आई वाज टॉकिंग शॉपिंग मैम, क्योंकि ना मुझे आंटी से प्रॉब्लम है शॉपिंग मॉल में, क्योंकि 90% ना मैम वो आती हैं और कभी आप देखना कि ना वो अपने पति को कपड़े ट्राई कराने आती हैं. ये वो जितने भी देखोगे ना कि वो पति पत्नी ना अलग अलग लेवल पे होते हैं, क्योंकि पत्नियों का पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि हमें अपने पति को यंग बनाना है आज. यंग आप देखना 35-45 साल के जितने भी आदमी अगर यहाँ है, नहीं है पता नहीं, अगर वो फ्लोरोसेंट कलर के कपड़े पहने घूम रहे हैं तो मैं बता दूं ये उनके पत्नियों की चॉइस है. तुम इसमें यंग देखोगे पहनो. तो मैं कहता हूँ जैसे मैं एक बार शॉपिंग करने गया मैम, तो पता क्या था पति क्या करता है, पति अंदर जींस उतार रहा है. इमेजिन नहीं करना मैंने पहने हुए कपड़े तो उतार रहा है और वो पति दूसरी चीज ट्राई कर रहा है. मैम इतनी देर में वो जो उसकी बीवी है वो बाहर खड़ी नहीं रहेगी, वो पूरे मॉल का चक्कर लगा के, हो सके तो 7 वाले मॉल का भी चक्कर लगा के वहां से वो 4 जींस ले आती है और नौकरी करी नौक नौक अब ये ट्राई करो. तो मैम मुझे बताओ कि मैं कपड़े कहाँ ट्राई करूं. तो मैं क्या करता हूँ मैम, जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ ना तो मैं लेगिंग्स पहन के जाता हूँ. लायरा लायरा मैम देखो कंफर्टेबल तो है पर अगर पॉपिंस के बाद किसी चीज में कलर आते हैं ना तो वह है लायरा. अब मैम पता कितना आसान हो गया मुझे, अब मैं जैसे जाता हूँ जैसी जींस पसंद आई मैं वही पहन लेता हूँ, उतारी और पैक करा ली. कितना सिस्टम आसान हो गया. बट उसमें भी आपको मॉल में मिलती हैं आंटियाँ. पता कुछ आंटियाँ होती हैं जो ना अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रही हैं बट उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे का साइज क्या है, तो फिर वो देखती है कि हमारे प्रोडक्ट जैसा कंपटीटिव प्रोडक्ट इस फ्लोर पे कहाँ कहाँ है. उस चक्कर में अपनी बेइज्जतियां कराई सर. बता आपको एक बार मैं ऐसे खड़ा था शॉपिंग कर रहा था, कुछ सामान ले रहा था, तो सामने सेल्स पर्सन खड़ा था थोड़ा साइड में और आंटी खड़ी थी. तो सेल्स पर्सन ने एकदम पूछा कि आपका बच्चा ऐसे दिखता है? आंटी कह रही अहे हमारा बच्चा इतना गंदा थोड़ी दिखता है. मेरी शॉपिंग से क्या लिंक था इस बात का? नहीं शॉपर स्टॉप के पॉइंट्स दे रहे थे मुझे इससे,
मैं बेइज्जती करवा रहा हूँ वहाँ बैठ के। एक बार तो हद ही हो गया, एक आंटी ऐसे कुछ शॉपिंग कर रही थी तो अचानक मैं वहाँ सामने शॉपिंग कर रहा था तो उसने आवाज मारी, बेटा इधर आओ। मैं चला गया। अब ना इन औरतों के पास दिव्य शक्ति होती है, क्यों क्या करती है, कहती है लड़के पीछे जाओ, और ऐसे वो शोल्डर से शोल्डर कपड़ा लगाती हैं। एक आपको पता है शोल्डर शोल्डर कपड़ा लगाना, तो उन्होंने मेरे पीछे लगाया और कह रही ये मेरे बच्चे को आ जाएगा। तो मैं जैसे ही मोड़ा वो एक टॉप था, वो भी स्लीवलेस। देखो देखो गलती आंटी की भी नहीं थी क्योंकि मैंने लेगिंग्स पहन रखी थी। माय लाइफ माय लायरा। तो शॉपिंग एक तो बताऊँ, आप शॉपिंग ना 1 लाख की शॉपिंग 2 लाख की शॉपिंग 15 मिनट में कर लेते हो, पर कैरी बैग लेना है नहीं लेना, इस पे घंटों लगते हैं। ले लें अबे ले लो ना यार। मानो कि मैंने, मैम एक आंटी देखा, आंटी ने क्या करा, जैसे सामान ले रही थी तो उन्होंने ना अपनी साड़ी का पल्लू खोल दिया, ठीक है, सामान भरने लगी, उसमें ऊपर गाना चल रहा है, भर दे झोली, झोली ले गई। एक तो जितने भी काउंटर होते हैं ना 25 काउंटर होंगे, मैम चलते हो 3 ही हैं। और आपको पता है जिंदगी आपको मौका देना देख सोचने का दोबारा, आपको लाइन देती है कि आप लाइन में खड़े हो और सोचते हो ये ले लें या ये छोड़ दें, ये ले लें या छोड़ दें। एक बार इतनी लंबी लाइन थी, मैम मैं काउंटर पहुंचा, मेरी बास्केट में कुछ नहीं था। कह रहा भैया, मैं कह भाई साहब नंगे आए थे, नंगे ही जाना है, कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो अलग चल रहा है, एक तो बताऊँ आप एज अ बॉय, मतलब आपको मैन एंड वीमेन शॉप डिफरेंटली, डू यू एग्री मैम, आप ड्रेसअप करते हो कि आपको कोई नोटिस करे। इन जनरल हम लड़के कपड़े पहनते हैं, कोई नोटिस ना करें ताकि कल हम दोबारा पहन लें। प्रोवाइडेड हम दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि तुमसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। मैं बता रहा हूँ जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं, मैरिड अनमैरिड मुझे नहीं पता, अगर इन्होंने 5 बजे के बाद ये टी शर्ट पहनी हुई है तो कल दोबारा मिलो इनसे आप सुबह। एक तो बताऊँ जितने भी मैरिड लोग बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में सिंगल लोग कितने यहाँ पे गिव मी अलाउड चेयर। एक तो बता रहा हूँ कभी आपको अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना है जिंदगी में, या पति पत्नी जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको जिंदगी में अपनी पत्नियों को खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को, एक्स को खुश रखना है, तो बता रहा हूँ कभी आपके साथ शॉपिंग पे जाए, इनको जो समझ में आए दिला दो, दिला दो, क्योंकि अगर ये इन्होंने वो चीज़ उस दिन नहीं ली तो इनको वो चीज़ हॉन्ट करती है। ये पार्किंग लॉट में पहुंचती कह देती है यार ले लेना चाहिए था ना, आदमी कह रहा था मैंने मना नहीं किया था, ले लेती ले। क्यों चक्कर कहना कि लड़कों हमारे लिए ना इनका एक टॉप है वो, पर इनके हिसाब से उन्होंने खड़े खड़े उसका मैचिंग लेगिंग जैगिंग जीन्स सब डिसाइड कर लिया है, इन्होंने इवन स्टेलिटोस चप्पल स्लीपर वो भी डिसाइड कर लिया है, इवन उन्होंने वो ओकेजन डिसाइड कर लिया जिसपे वो पहनेंगी, जिसपे उनको कोई नहीं बुला रहा कोई। लड़के जितनी बैठे कि मैं लाउड चेयर, अपना वार्डरोब रोज हर दिन 15 मिनट देखते हो आप, सुबह उठते ही ये रिवाइज करती हैं रोज, ताकि मॉल जाती है ना तो मॉल में खाली दीवार बनी होती है उस पर अपना वार्डरोब बना लेती हैं, फिर इसके साथ ये मैचिंग कर लेंगे, इसके साथ ये मैचिंग कर लेंगे, इसके साथ आदमी गरा पत्री क्या मैच कर रही है औरत। अच्छा इनको ना वो टॉप जो चीज़ है 3-3 साल हॉन्ट करती है सर, 3-3 साल फोन करके बोलेंगे यार सच्चा प्यार मिल जाता है, बट वो स्टफ कभी नहीं मिलता यार। 10 साल बाद भी यार अगर उस दिन ले लेता ना तो तुम्हारी 13वीं में काम आ जाता है। शिट यार आई मिस दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इनको दिला दो भाई साहब शॉपिंग के बारे में बताता हूँ। तो क्या आप कभी देखो ना हम शॉपिंग मॉल में हमेशा एक ना कार्ट रखी होती है जिसमें सारा सामान भरा होता है, एंड वी नोटिस कि आपको लगता है कि यार ये कौन लेके नहीं गया। ये मैम वही लोग होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट में सामान रखते हैं। और भाई साहब आप एक बार ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट में सामान रख दो, ये जो आपकी माँ इक्वल टू बहन करते हैं आपको रोज ईमेल करके भूल गई
याद नहीं, अब तो 50% ऑफ दे दिया, मतलब पागल हो जाते हैं मैम ये। एक बार क्या हुआ मैम कि लास्ट ईयर की बात है, रक्षाबंधन पे मैंने अपनी बहन को अपनी ऐप से एक जीन्स गिफ्ट कर दी। गुड भाई, गुड भाई मैम, ये मेरा कसूर बन गया मैम, क्योंकि इन ऑनलाइन वालों को पता लग गया कि मैं लड़कियों की जीन्स का शौकीन हूँ। अब हर दिन मेरे पास ईमेल आते हैं, शो योर ब्यूटिशियस कर्व टू द होल वर्ल्ड। अरे नहीं दिखाने मुझे अपने कर्व किसी को भी यार, जान खा रखी है उन लोगों ने मेरे को मेल कर करके। एक बार क्या हुआ मैम, मैंने अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मेरे बॉस ने बोला कि यार प्रेजेंटेशन शुड बी मोर इनोवेटिव, सेम ग्राफ ऐप अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैम मैं अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा था, ऐसे प्रेजेंटेशन मेरी कंपनी के ग्राफ खड़े हुए थे। अब होता क्या है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ सर्च करते हो ना, तो वो चीज़ें वापस आती हैं बार बार, पॉप की तरह। नोटिस किया आपने कभी भी पॉप? तो मैम सर मेरी कंपनी के ग्राफ खड़े हुए थे ऐसे, तो बीच में अब हम पॉप खुलाया तो उसमें लड़की की टांग ऐसे करके खड़ी थी ऐसे। मेरे बॉस ने को नहीं मारी, कह रहा इतनी इनोवेटिव प्रेजेंटेशन नहीं मांगी थी। उस दिन से मैम मैं जो शॉपिंग करता हूँ मैं इनकॉग्निटो मोड में करता हूँ। भगवान बचाए भाई साहब, मुझे बताना नहीं किसी को मैं क्या ले रहा हूँ।